नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, जो लोग हाउस प्लांट के शौकीन हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। इसको बहुत से नाम से जाना जाता है, टेडेंसिया, बोट लिली, ओस्टर प्लांट, रियो और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। इस प्लांट की खूबसूरती दोस्तों इनके पत्तों में है, जो तलवार की तरह ये दिखते हैं और शेप भी उन्हीं की तरह है। इनके ऊपर की जो परत होती है उनमें ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है, और नीचे वाली जो साइड होती है उनमें पर्पल कलर होता है। और इस प्लांट का जो ये डीप कलर है, ये जो पर्पल कलर है, इसी से ये प्लांट जो है ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है और प्लांट को हाईली ऑर्नामेंटल बना देता है। बोट लिली के प्लांट में छोटे छोटे प्लांट्स फ्लावर्स भी आते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए ये जो है ये बोट कहते हैं। ये देखिए बोट की तरह इसके बीच जो है वाइट कलर के होते हैं, जैसे कोई यात्री बैठे हुए हैं बोट में, तो इसीलिए इसका नाम भी शायद है बोट लिली कहा गया इसको। बोट लिली के जो फ्लावर होते हैं ये बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं। ये दोस्तों जनवरी से लेकर ये मार्च तक ये फ्लावर जो हैं ये दिखते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में दोस्तों बात करूंगी, इसके रख रखाव में और ये कैसे ग्रो किया जाता है और ये इसमें क्या क्या केयर की जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर देना। ये दोस्तों बोट लिली जो है एक वेरिएटेड प्लांट है, इसकी हाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 फीट तक जा सकती है। इस प्लांट का रूट सिस्टम जो होता है वो शैलो होता है, यानी इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। इस वजह से इस प्लांट को कम गहराई वाले प्लांट में भी ग्रो किया जा सकता है। जैसे आप देख ही रहे हैं ये एक छोटा सा पॉट है और कितनी सारी इसकी ग्रोथ हुई है, कितना सारा ये झुंड की तरह ये फैला हुआ है। हालांकि बीच में से मैंने अभी काफ़ी सारी जो ब्रांचेस जो हैं वो मैंने निकाल दी हैं, ताकि ये इसकी अच्छे से दोबारा जो है वो लीव्स जो है न्यू लीव्स निकले। कई लोग तो इसे ज़मीन में भी लगाते हैं एजिंग के तौर पर इसको, इसीलिए इसे ज़मीन में ग्राउंड कवर के नाम पे लगाया जाता है। इस प्लांट को मार्च से लेकर अगस्त तक इसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो एक्टिव होता है, यानी स्प्रिंग सीजन से लेकर समर तक इसका एक्टिव पीरियड होता है कि ढेर सारी ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं, लेकिन इसके जो पत्ते का वजन की वजह से ये बाहर की तरफ लटकते हैं। दोस्तों ये हार्डी प्लांट है, इसको महीनों तक पानी अगर ना भी मिले तो भी इसे कोई नुकसान नहीं होता। तो इसमें इस प्लांट को अगर कम पानी दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके लिए नुकसानदेह है। उससे क्या होता है ये गल जाता है, और इसके लिए हमेशा जो मिट्टी बनाए, मिट्टी इसकी हमेशा वेल ड्रेन ही बनाए। आगे मैं इस प्लांट को मैं बताऊंगी कि कैसा इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो तैयार किया जाता है। इस प्लांट को
ज़्यादा जो धूप में ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ जो हैं उनमें सनबर्न हो जाता है, पत्तियाँ इसकी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। विंटर और स्प्रिंग सीजन में इसको धूप में रखा जा सकता है, लेकिन समर में इसको धूप में मत रखें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो हैं उनका कलर जो है वो डल हो जाता है। बोट लिली को इसकी कटिंग से या फिर इसके रूट से, सीड से उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है इसकी स्टेम कटिंग लें और मॉइस्ट मिट्टी में इसको लगा दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसके जो नई नई ब्रांचेज जो हैं वो निकल आएंगी। इस तरह ये कटिंग लगाने का जो सही समय है वो है मार्च से लेकर मई तक का। विंटर में इसे महीने में एक ही बार पानी दें और किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आगे मैं दूसरी वैरायटी की कटिंग लगा के दिखाऊंगी और इसका जो पॉटिंग मिक्स जो है वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा पॉट है मेरे पास, तो इसी में मैं इसकी कटिंग जो है वो लगाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैंने कोकोपीट, बर्मी कंपोज और गार्डन की मिट्टी ये सब मैंने मिलाई हुई है और इसी में मैं वो कटिंग जो है वो लगाऊंगी। मिट्टी जो है वो हमेशा वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। इसके नीचे जो होल है इसमें पहले कुछ रख लेते हैं ताकि इसमें से मिट्टी ना बाहर जाए, सिर्फ पानी ही बाहर निकले। तो इसमें मैंने मिट्टी भर दी है और ये देखिए, ये कटिंग मैं ले रही हूँ इसमें लगा के, ये देखिए ऐसे करके थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से थोड़ा दबा दे। अब इसमें पानी लगा देते हैं, देखिए अच्छे से इसको, जो पहली बार जो पानी लगाना है वो अच्छे से इसमें भर के पानी लगाना चाहिए। ये देखिए, पानी जो है वो पूरा जो है वो ड्रेन हो चुका है। ये देखिए, इसी से पता चलता है कि हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन तैयार हुई है। अब ये जो प्लांटर हैं ये 4-5 दिन के लिए छाया में रखें, उसके बाद ही इसको धूप में रखें। देखिए, पानी सारा के सारा जो है वो ड्रेन हो गया, इससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनी है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।